नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। दिल्ली में बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को देखते हुए वहां के प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब दिल्ली की हवा कुछ सुधरी है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा पारित आदेशों के मुताबिक दिल्ली के प्राइमरी कक्षा के स्कूल कल यानी 9 नवंबर 2022 दिन बुधवार से फिर से खुल जाएंगे और कल से केजी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे फिर से स्कूल जाकर क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। बता दें आपको कि दिल्ली का AQI लेवल जो है वो 400 के नीचे आने पर सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 4 नवंबर को दरअसल स्कूल बंद करने की घोषणा हुई थी। नई दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बच्चों को बचाने के लिए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए थे। केजरीवाल सरकार ने बीते 4 नवंबर को केजी से लेकर क्लास 5 तक के जो स्कूल थे उन्हें बंद करने की घोषणा कर दी थी। बताना चाहेंगे कि स्थिति का जायजा करने के बाद और पॉल्यूशन के स्तर के नीचे आने के बाद फिर से दिल्ली के स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में स्कूल जो है वो कल से खुलेंगे और दिल्ली सरकार ने स्थिति को परखा है और जब ये पाया गया कि AQI एक दिन में सुबह 9:10 पर 352 आया और अगले दिन 213 पहुंच गया तो स्कूल खोलने का आदेश पारित कर दिया गया। बताना चाहेंगे कि दिल्ली NCR के साथ ही नोएडा रीजन के स्कूलों को भी पॉल्यूशन के कारण बंद कर दिया गया था। नोएडा में क्लास 1 से 8 तक के स्कूल बंद किए गए थे। कल से नोएडा के स्कूल भी खोले जा रहे हैं। इस वजह से बंद किए गए जो स्कूल थे वो दिल्ली के एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे। यहां पर AQI लेवल 400 से ऊपर पहुंच गया था जिससे सांस संबंधित तमाम परेशानियों का खतरा बन गया था। इसलिए दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए। अब AQI लेवल सुधरने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर से स्कूल खोलने के आदेश दिए और संशोधन के अनुसार ये आरक्षण निजी सहित किसी भी शैक्षणिक स्थान द्वारा भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्थानों को संशोधन से छुट्टी दी गई है। वैसे तरह की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।